हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पर। मैं हूं दीपक झा। तो आज की वीडियो में हम फिर से लेकर के आए हैं सोशल साइंस का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हर वीडियो की तरह आज का वीडियो जो होगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। और जिस तरह से पिछले वाला वीडियो में आप लोग देखे हैं और अपने एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उसी उम्मीद से इस वीडियो को देखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। चलिए, आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं बोर्ड पे, और जो क्वेश्चन हम लाए हैं उस क्वेश्चन को आप क्लियर कीजिए और नोट कॉपी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना मिल जाती है। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो क्वेश्चन है कि प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के जो गठन था उसका सुझाव किस वर्ष दिया था। जो प्रेस कमीशन जो था, ठीक है, वो अखिल भारतीय समाचार पत्र का गठन का जो सुझाव दिया था वो किस वर्ष दिया था, आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1950 में, सेकंड ऑप्शन 1952 में, थर्ड 1954 में, और फोर्थ ऑप्शन 1956 में। इसको गौर से समझिए। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है 1950 में, और सेकेंड कर रहा है 1952 में, थर्ड क्या कर रहा है 1954 में, फोर्थ क्या कर रहा है 1956 में। तो प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का जो गठन का सुझाव दिया था वो दिया था 1954 में। याद रखिए, कब दिया था? 1954 में दिया था, ठीक है। प्रेस कमीशन अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का जो गठन का सुझाव दिया था 1954 में दिया था, ठीक है। आपका यहाँ जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन थ्री है, याद रखिए, आपका ऑप्शन थ्री दे रहा है 1954, ये आपका आंसर होगा। हम फिर से लिख रहे हैं 1954 में सुझाव दिया था, ठीक है, प्रेस कमीशन अखिल भारतीय समाचार पत्र का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टू को देखते हैं। क्वेश्चन टू है हमारा, क्वेश्चन टू क्या कहता है कि हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने कब किया था। हिंदुस्तान टाइम्स का जो प्रकाशन किया गया था, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन जो किया गया था उसमें के पन्नीकर कब किया था। 1920 में, फर्स्ट ऑप्शन आपका गौर से देखिए 1920 में, सेकेंड है 1921 में, थर्ड ऑप्शन 1922 में, और फोर्थ ऑप्शन 1923 में। तो मैं आपको बता दूँ 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने 1922 में किया था। कब किया था? 1922। ऑप्शन आपका जो होगा वो थ्री होगा, याद रखिए 1922 में दिया था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम थ्री को देखते हैं। क्वेश्चन थ्री है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से चीन देशों में आई थी। जो मुद्रण की जो तकनीक थी वो सबसे पहले कौन से तीन देशों में आई थी। तीन देश की चर्चा हो रही है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है यूनान, भारत, कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है भारत, मिस्र और चीन में, या थर्ड ऑप्शन आपका जो कह रहा है यहाँ पे चीन, जापान, कोरिया, ठीक है, चीन, जापान, कोरिया में आई थी, या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में आई थी। तो मुद्रण की जो तकनीक थी सबसे पहले जो आया था वो आया था चीन, जापान और कोरिया, ऑप्शन थ्री, याद रखिए। जो हमारा ये ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया, वो मुद्रण की तकनीक सबसे पहली व्यवस्था इन तीनों देश में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आप जो तीन देश है आपका यहाँ से चीन, जापान और कोरिया, इन तीनों देश में मुद्रण तकनीक सबसे पहले इन तीन देश में लाई गई थी, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। क्वेश्चन फोर क्या कहता है कि गदर का प्रकाशन किसने किया था। गदर का जो प्रकाशन था किसने किया था, ठीक है। आपका जो ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन है लाला हरदयाल, सेकेंड ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, और जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो है मोहम्मद अली, और फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो गदर का जो प्रकाशन जो किया था वो मैं आपको बता दूं, लाला हरदयाल जी किए थे। गदर का प्रकाशन किसने किए थे? लाला हरदयाल, फर्स्ट ऑप्शन लाला हरदयाल, याद कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में जो आपका कर रहा है ना लाला हरदयाल, यही आपका सही ऑप्शन है। गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल जी किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं। और क्वेश्चन फाइव क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन फाइव कहता है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है गोविंद मोहन, सेकेंड है राजा राम मोहन राय, फिर से देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है गोविंद मोहन, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है इरास्मस, और फोर्थ ऑप्शन है जेम्स ऑगस्टन हिके, ठीक है। चार ऑप्शन समझ गए, इनमें से आपका जो ऑप्शन होगा आंसर वैल्यू होगा फोर, यानी कि भारत में प्रेस का जनक जो कहा जाता है वो जेम्स ऑगस्टन हिकी जी द्वारा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टन हिकी, इन्हीं के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टन हिकी, इन्हें कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बगल में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका जो बाजा जो बजाया जा रहा है, पूजा जो हो रहा है, ठीक है, और शादी होगा कल, और इससे पहले मैं आपको बताया भी था ब्लॉग वाले चैनल पे कि छेका का फलदान था उसमें, इसलिए उसको सॉन्ग
जो बाजा है उसको चालू कर चुका है तो नॉइज थोड़ा आता होगा, उसको केयर नहीं कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए इसका जो आंसर होगा, वो आंसर होगा जेम्स अंगस्टन, ठीक है, जेम्स अंगस्टन हिकी। ये भारत में प्रेस का जनक इन्हीं को कहा जाता है, जेम्स अंगस्टन हिकी जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि बगल में प्रोग्राम चल रही है तो वहाँ पे बाजा को बजाया जा रहा है, तो जो नॉइज आती होगी उसको केयर नहीं कीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उस पर केयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिक्स है कि कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया। सिक्स क्वेश्चन को देखिए, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद अली ने, सेकेंड ऑप्शन है मौलाना आजाद ने, और थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉक ने, और फोर्थ ऑप्शन है भाई बाबू रामदीन सिंह ने। तो कॉमरेड का जो प्रकाशन किया था वो किए थे मोहम्मद अली जी, ठीक है। किसने किए थे, मोहम्मद अली फर्स्ट ऑप्शन, इन्होंने किए थे कॉमरेड का प्रकाशन, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद अली जी जो थे वो, उन्होंने कॉमरेड का प्रकाशन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन सेवन क्या कहता है कि 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए किस देश ने, ठीक है, सॉरी छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ। तो 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था, हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है। और जिसका ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो मैं आपको बता दूं कि 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए जो प्रेस, जो देश की बात हो रही है स्थापित करने की, तो वो देश है फ्रांस। तो फ्रांस में 1857 में, फ्रांस देश में 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए क्या किया था, चालू किया था, स्थापित हुआ था, ठीक है। कहाँ, कौन सा देश में, फ्रांस देश में, याद रखिए ऑप्शन टू। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन एट है वो कहता है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, हमारा क्वेश्चन एट है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सेकेंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, थर्ड ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने। तो केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन किए थे वो किए थे ऑप्शन टू बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। किसने किए थे, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे, ठीक है। चलिए उस पर क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं। और 1821 में आपका क्वेश्चन नंबर नाइन है, दोबारा रिकॉल करते हैं। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया। आपका फर्स्ट ऑप्शन है विनोबा भावे ने, सेकेंड ऑप्शन विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और फोर्थ ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो मैं आपको बता दूं, चौथा ऑप्शन यानी कि चार ऑप्शन है विनोबा भावे, सेकेंड है विवेकानंद, थर्ड है राजा राम मोहन राय, और फोर्थ है दयानंद सरस्वती। तो 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय यही किए थे। इसने किए थे ऑप्शन थ्री, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन को देखते हैं। 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। आपका फर्स्ट ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, सेकेंड है कैलाश, ठीक है कैलाश वासिनी देवी, और सेकेंड ऑप्शन है शिवानी, और थर्ड है आशा पूर्णा देवी, ठीक है। तो 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा जो लिखे थे वो लिखी थी रस सुंदरी देवी, याद रखिएगा रस सुंदरी देवी फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, रस सुंदरी देवी इन्होंने ही, यानी कि रस सुंदरी देवी नहीं, 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी। आई होप कि आप समझ गए, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया और 10 क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो आप इसी तरह जितने सारे क्वेश्चन को बताते हैं आप लोग बखूबी से याद कीजिए, समझिए, याद करने के बाद अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आप आसानी से लिख करके आओगे, और जो अगर 10 क्वेश्चन इसमें टकरा गया तो मान लीजिए आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए गाइज, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव चलेगा, और आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं या उसी तरह से और तैयारी करें और काफ़ी मेहनत करें, और मैं यही आपसे आशा करता हूँ, ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर, पता के लिए जय हिंद जय भारत।